और अब एक और ऐसी रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है, दिखने में अच्छी है, और जब नई नई शादी हुई हो तो ट्रायल पे लोग कहते हैं कि पापड़ ज़रूर बनवाया जाए। तो अगर कोई कहे ना कि पापड़ सेक के दिखाइए, तो उससे बढ़िया पापड़ रोल बना के दिखाएं, और वो भी सिका हुआ पापड़। और ये जो है इसमें ढेर सारा अदरक, अगर अदरक पसंद नहीं है थोड़ा सा डालना है तो थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो ये रेसिपी तभी पसंद आती है जब इसके अंदर ढेर सारा अदरक पड़ा हुआ हो, छोटा छोटा फ्रेश कटा हुआ, या अगर पेस्ट डालनी है तो एकदम फ्रेश पेस्ट डालें इसके अंदर। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो पनीर है मैं काट रहा हूँ, ये इसलिए कि ये रेसिपी में पापड़ रोल जो हम बनाएंगे उसमें पनीर डालेंगे हम, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेता हूँ। ये काटने से इसकी डेफिनेट शेप आ जाती है और लगता है कि हाँ कुछ थोड़ा प्रोफेशनल काम किया है। चलिए, ये जो है अदरक, अदरक के साथ हरी मिर्च इसमें, और उसके साथ साथ ये पनीर, और ये पनीर में हरी मिर्च तो है ही है, नमक उसके साथ, लाल मिर्च और चाट मसाला, साथ में कुछ पत्ते पुदीने के, कुछ धनिए के, ये ले लेते हैं, धनिया और पुदीना ये ले लिया, और इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। अब फोकस करते हैं पापड़ पे। तो पापड़ मेरे पास ये रहे, पापड़ को आधा काट लें ये। अच्छा, पापड़ में एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है कि पापड़ होना चाहिए फ्रेश, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई पापड़ है तो बढ़िया नहीं बनेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पापड़ जो आपके पास में हो वो फ्रेश पापड़ होना चाहिए, मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए। तो ये पापड़ इस ग्रिल पैन में मैं रख रहा हूँ, ये इसलिए ताकि थोड़े इसके अंदर और प्रोफेशनल टच आ जाए जब पापड़ अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए, जब ये गर्म होता है उस समय आपने इसे फोल्ड करना है, इसका कोन बनाना है। ये देखिए, ये कोन बना लिया हमने, और ये कोन बनाने के बाद इसके अंदर डाल दिया हमारे पास ये पनीर की स्टफिंग, और इस पनीर की स्टफिंग को इसके अंदर डालें। ये लीजिए, जब आपने इसे सर्व करना हो बस उसी समय इसमें आप ये स्टफिंग डालें सजाने के लिए, मिंट लीफ ले सकते हैं आप, और उसके बाद इसको तुरंत परोसें। फिर शादी क्या, कोई भी पार्टी हो, स्नैक के रूप में बहुत ही बढ़िया है, हिट है, हिट है तो फिट है। चलिए नोट करें इसके इंग्रेडिएंट, उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 8 पापड़, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 250 ग्राम पनीर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 4 पुदीने की पत्तियां कटी हुई, 2 छोटे चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 4 पुदीने की पत्तियां। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करके इसके अंदर अदरक डालकर भूनें। इसके साथ हरी मिर्चें, पनीर के टुकड़े, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, पुदीने की पत्तियां और हरे धनिया की पत्तियां डालकर मिलाएं। इसके बाद पापड़ को बीच में से काटकर इसे ग्रिल पैन के अंदर कपड़े से दबाकर सेकें और फिर इसकी तुरंत कोन बना लें। इस कोन को एक छोटे ग्लास में रखें, फिर इसके अंदर तैयार पनीर की स्टफिंग को डालें और इसे पुदीने की पत्ती से सजाकर सर्व करें।